देखो सुब्रन साहब ने हुक्म दिया है कि अगर कल तक इस बम केस के बारे में तुम पता नहीं लगा सके तो इस केस से अलग कर दिए जाओगे। ये आवाज जो आपने सुनी है दिवंगत श्री कृष्ण चोपड़ा की आवाज है, जो अब न सुनी जा सकेगी, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा अपनी अमर कृतियों के जरिए। उनका पहला चित्र था हीरा मोती, सुंदर अनमोल कृति। दूसरा चार दीवारी, भावनाओं से भरपूर। और तीसरा चित्र जो उन्होंने बड़ी उमंग से शुरू किया था, मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति। भेजिए आइंदा महीने की 25 तारीख तक वो जरूर बुलवा दी, जरूर बुलवा दी। और ये 25 रुपए आपको अदालत के होने होंगे। बंदी भाई वो मुझे ये हमारे केस की नकल नहीं मिली अभी तक। हाँ मुंशी जी बहुत जरूरी है, तुम लोग भी तो वक्त टाल के आते हो, काम काज में देर होगी मुझसे। खैर कोई बात नहीं, कल आ जाना, मिल जाएगा, जरा जल्दी आ जाना। कभी कुछ मत कर, कल आ जाइएगा। सुबह ठीक वक्त से आ जाना भाई। अच्छा रमानाथ आया? नहीं, उसका खाना उठा कर रख दूंगी, वो तो देर से ही आएगा। हाँ देर से आना तो उसका मामूल बन गया है। बाबूजी हम उठ जाए? हाँ बेटा उठो, मैं भी उठ रहा हूँ। नहीं नहीं एक पूरी और लो। नहीं जी नहीं बस। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे हाथ धो के कुल्ली करके जाओ। अरे कभी पढ़ भी लिया करो दो। अच्छा खेल 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 जब दे।
जानी इन्हें क्या कह रही हो, इनके तो दिन है खेल के, मुझे तो सोच है बड़े की, उस निखले की, उसका क्या बनेगा? अब बनेगा क्या भगत जी, इंसान से बंदर थोड़े ही बन जाऊंगा, यही ना जरा होंठ लाल हो जाएंगे, बस पान ऐसा बढ़िया बनाइए कि 8 दिन तक मुंह से खुशबू आती रहे। हमारे हाथ का लगल पनवा खाइले तो बाहर आ जाए। अच्छा तो भगत जी इसी खुशी में एक सिगरेट पिलवाइए, पासिंग शो। लो राजा। शुक्रिया। अबे लौंडे जरा कस के हाथ मार, क्या छोकरी की तरह पॉलिश कर रहा है? हाँ मुंह तो दिखने लगा बाबूजी, और क्या चाहिए। ओ ये ले भाग। अरे अरे पान खाए सैया। वाह वाह वाहला। अरे रमानाथ बाबू पैसों भूल गए का? भगत जी पैसा देकर तो सभी खाते हैं, बिना पैसा दिए भी तो खाने वाला चाहिए ना। अरे तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, ले दो ठोपनवा और ले जा। अरे वाह वाह तुम्हारी इन्हीं अदाओं में तो मर मिटे हैं, चलो तुम भी क्या याद करोगे किस रईस से वास्ता पड़ा था। अकन्नी की जगह चोनी दो। राजा जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह। गणेश तुमने मेरा जूता तो नहीं देखा? नहीं तो क्या जमीन खा गई उसे? मुझे क्या पता। कमाल है यार, कमरे में रखी हुई चीज गुम हो जाती है। मदन, अरे मदन। अरे तो अभी तक दाढ़ी बना रहे हो? ड्रामा देखने भी चलोगे? ड्रामा देखो। हाँ चलिए चलिए, आई एम रेडी। चटनी पहन कर तो और क्या पहनू, मेरी पतलून नहीं मिल रही। यार ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे कपड़े पहने। किसने पहन लिए तुम्हारे कपड़े? मुझे क्या मालूम, मेरा कोट नहीं मिल रहा है। अजीब बात है यार, इस हॉस्टल में डाकू रहने लगे हैं क्या? ज्ञान सिंह हमारे कमरे में कोई आया था? रमानाथ बाबू ऐसे हो। रमानाथ वो ही कर गया हमें अनाथ। यार हम छोड़ देंगे उसका साथ। तो मिलाओ हाथ। ये हुई ना बात। बदतमीजी की हद होती है, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? अपने पार्टनर का जरा भी ख्याल नहीं, देखते नहीं दिनेश बेचारा लिख रहा है हमारे देश का होने वाला लीडर है, किसी जलसे में तकरीर करनी होगी इसे, मगर तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। दिनेश अब बुरा नहीं मानना यार, बच्चे हैं माफ कर देना। कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ, ये अच्छा रहेगा। फरमाइए। ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सी हरकत? तुम मेरा जूता क्यों ले गए? मेरा कोट क्यों ले गए थे? हमें ड्रामे में जाना था, सब चौपट हो गया। प्यारे इसलिए तो हम हिंदुस्तानी पीछे हैं, 7-5 की लकड़ी एक जने का बोझ, मिल बांट के खाओ पहनो। मैं तो कहता हूँ चलो सब मिलके एक एक सूट सिलवा लें, हर रोज बदल बदल कर पहना करें, सभी सोचेंगे कि हर एक के पास 4-4 सूट हैं, मगर होगा सिर्फ एक एक। क्यों प्यारे दा देते हो हमारे दिमाग की? भाई वाह, क्या दिमाग पाया है जनाब ने, अजी पूरे इलाहाबाद में तो सिर्फ एक ही दिमाग है। कमीने उतार मेरी पतलून, निकालो मेरा जूता। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, हर हाल में तुम्हें को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, अरे सौ बार शुक्रिया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, अरे सौ बार शुक्रिया, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अरे बाबू आप, क्या नाम है? रमानाथ। तुम कहाँ हो? चले नाराज में धूली बिटवा दी, लेकिन तुम्हारा पता ही नहीं। रमानाथ मेरा कोट, मेरा जूता। यार क्या कोट क्या जूता लगा रखा है? देखे नहीं रमेश बाबू से बात कर रहा हूँ, ये म्यूनिसपैलिटी के बड़े अफसर हैं, अगर ये ना हो तो सारे शहर में अंधेरा हो जाए और कहीं गंदी नाली में गिर पड़ो तुम। नमस्ते करो इन्हें। नमस्ते जी। बड़े बाबू आप, बड़े बाबू मेरी बात सुनिए, ये पतलून उतरवा दीजिए। ये क्या मायने है भाई? बड़े बाबू क्या बताऊं, माजरा ये है कि ये मेरे कपड़े उतारना चाहते हैं, मुझे नंगा करना चाहते हैं। क्या नाम, क्या नाम, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात है। इन्हें बकवास करने दीजिए, आप मेरे साथ आइए। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? हाँ हाँ। शतरंज नहीं खेलोगे? अरे रे रे, इतना जरूरी काम और आपने अभी तक नहीं बताया। चलिए चलिए, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। बाय बाय। चलो बेटा, चल घोड़े चल घोड़े चल घोड़े, चला 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 चला, आ चले, वाह क्या चाल चले। चलिए अजी किबला, चलिए तो मुलाजा हो, गौर से दिमाग लड़ाइए। ये देखिए शाह है काले घर में जी, अभी यहाँ से उड़ा और आपके हद पर घूमता हुआ आता अपने बाजू सफेद घर में बैठ। आइए साहब आप मैदान में, चलिए चाल मैं देखूं। चलता हूँ जनाब, चलता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चलिए। अरे धीरे चलिए, कहीं गगरिया छलक न जाए। क्या कहा है? धीरे धीरे चलिए, गगरिया छलक ना। हटाओ हाथ। अब आइए मैदान में, अब चलिए चाल और दिखाइए अपना कमाल। क्या सोच रहे हैं आप? आइए आइए। फिर वही बात, आप हमेशा ऐसा करते हैं, जब हारने लगते हैं तो रो पड़ते हैं। जाइए, मैं नहीं खेलता आपसे। बाबू एक बाजी और हो जाए, एक बाजी और हो जाए। नहीं बड़े बाबू, अब मैं आपसे कभी नहीं खेलूंगा। मैं कहता हूँ कि अभी मैं कभी नहीं छीकूंगा, मैं कसम खाता हूँ, एक पुश की नहीं तीन पुश की कसम खाता हूँ। चलो अभी कभी नहीं छीकूंगा। जावेद भाई फरमाइए। अमर तुम भी कौड़ी काम के आदमी नहीं हो। क्यों, खरीद तो है। अमर तुमसे कहा था कि अपने वाले साहब से कहकर जरा वो घूंगर में चुन्नी डाल के मुकदमे की मिसलों को निकलवा देना, मगर तुमने कुछ नहीं किया। जावेद भाई अगर तुम्हारा काम होता तो सर के बल जाता और पूरा काम करवा देता, मगर ये घूंगर मा चुंगर मा से मेरा क्या वास्ता? उन्हें कहो जरा मुट्ठी गर्म करे, सारा काम हो जाएगा। अम्मा वो भी हो जाएगी, जरा काम तो करो। अच्छा अगर आपका हुक्म है तो सर आंखों पे कल कचहरी तशरीफ ले आइएगा। आप मिलेगा जरूर। हाँ जरूर मिलूंगा। लीजिए मुंशी जी,
अजी नहीं नहीं मुंशी जी, आप तो जानते ही हैं रिश्वत मेरे उसूल के खिलाफ है, इन्हें वापस रख लीजिए। बाबूजी। बंदगी हजूर। आदाब। वो घुंघर मार चुनीलाल वाला काम हो गया? जी हाँ, आपका फरमान बजा लाया हूँ। किशन किशोर नाजिर से फरमाइश कर दी है, कागजात मिल जाएंगे आपको। नवाजिश आपकी। आदाब। बड़े खरीक इंसान है, नए अफसर आए हैं? जी हाँ अफसर ही हैं, इन्हीं के लिए काम करता हूँ मैं तो। जज साहब हैं? जी नहीं, नूरे चश्म है मेरे। नूरे चश्म? तो आपके साहबजादे हैं, बड़े होनहार हैं, शादीशुदा हैं? जी नहीं। मुंशी जी, आपने कोई बहुत बड़ा बेवकूफ देखा है? जी थोड़े थोड़े तो सभी होते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ। देखिए ना, खोजत खोजत जुग भया और पाओ कोस पे गांव। जी अजीब, बेटी के लिए बर्तलाश कर रहा हूँ और लड़का घर में मौजूद। मुंशी जी, इन्हें तो आप हमारी बरखुरदारी में दे दीजिए। जी मुंशी जी, इसके मुतालिक तो मैंने अभी सोचा भी नहीं, लड़का पहले कहीं कामकाज से लग जाए फिर देखी जाएगी। अजी कामकाज का क्या घाटा है, हाँ लेन देन की सोच है तो उस तरफ से मुतमईन रहिए मुंशी जी, मेरी तो इकलौती बेटी है। मुंशी जी लेन देन के बारे में बात करना तो मैं बाई से शर्म समझता हूँ। तो फिर क्या रहेगा, सुगर सियानी लड़की है, सूरत सीरत के बारे में आप इत्मीनान करा लीजिए। मुंशी जी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि वो अब देखिए ना, लड़के की वालदा से भी तो मशवरा कर लेना लाजमी है। हाँ हाँ जरूर पूछ लीजिए, पर बंदा नवाज, ये मशवरा क्या, फैसला कीजिए फैसला। मैंने तो फैसला कर लिया कि लड़का हमारा हो गया। जल्पा, अरे ओ जल्पा। बाबूजी, बाबूजी आ गए, इतनी देर सारी चीजें लाए। बाबूजी, मेरे लिए लाए हो बाबूजी? तेरे लिए तो मैं ऐसा तोहफा देख के आया हूँ बेटे, कि जो मिलेगा तो गुण गाएगी। हाय सच बाबूजी, क्या है? तू पूछ। बताओ ना बाबूजी। बताओ। तेरे लिए मैं ऐसा चांद सा दूल्हा देख के आया हूँ कि जो जहाँ खड़ा हो जाए उजाला हो जाए। I'm
लीजिए, ये भी रख लीजिए। इसे भी रखा जी। अजी क्या सुलझी हुई पसंद है बहू जी की। मुंशी जी, बहू जी को ये दिखाइए, खास चढ़ावे की चीज है, देख के आंखें खुल जाए। हाँ हाँ, इसे भी रख दो गंगू महाराज, एक बार सबकी आंखें खुल जाए, ऐसा चढ़ावा हो। नहीं जी, अजी दिखाओ तो पहले। अजी बड़ी नायाब चीज है बहू जी, ऐरे गहरे को तो मैं दिखाता ही नहीं, ये सब चीज कीमत सिर्फ 400 रुपए। अजी मुंशी जी, मेरी मानी तो एक जड़ाऊ चंद्रहार रख लीजिए, 1000 के पेटी में होगा। रख दो रख दो, उसे भी रख दो, क्या याद करेंगे मुंशी दीनदयाल जी। कहे तो दिया है सर से, चुकाओगे कहाँ से? अजी दाम के लिए कोई पैसों का मुंह देखे है क्या? नहीं नहीं जी, रहने दीजिए, 2000 के तो हो गए हैं जेवर। अजी सुनते हो जी, इन्हें समझा दिया है ना अच्छी तरह से? हाँ जी बता दिया है, 1000 अभी दे देंगे और 1000 दुल्हन घर आई कि अगले रोज चुका देंगे। मुझे इसमें क्या उजर हो सकता है? अजी मोतीचंद जी, जरा इनकी फेरिस्त तो बना लेना। अल्लाह कसम जानता, नीरे देहाती है तेरे ससुराल वाले, इतने सारे अल्लाह वाले गहने भेजे पर चंद्रहार नहीं सीजा। उससे क्या होता है शहजादी, उसके बदले में गुनूबंद नहीं देखा, इतना सुंदर है कि आंख नहीं भरती। ए, तेरी आंखें छोटी है। अरे अहमद, चंद्रहार सब जेवरों का बादशाह होता है। आने दो नौशा भाई को, पूछती हूँ ये कौन सा नया दस्तूर निकाला है। उससे फायदा, वो बैठ के बना देंगे क्या? उनके तो बड़ों को भी लाके देना पड़ेगा। देख मैं तरकीब बताऊं जायपा, जब तक चंद्रहार ना ला दे तू नौशा भाई से बात ही ना करियो। चल चल, उसे गुर बता रही है, आप कितने बनवा लाई 3 साल में ससुराल से। अरे मेरी बात छोड़, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको। हाँ भूल गया, इस कमरे में कभी इतना उजाला नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, फिर हमने बिजली लगवा ली। बाबूजी तो उस मकान को भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये हमारे पड़ोस वाले हैं ना, ये अपना मकान ही नहीं बेचते हमारे हाथ। ये सुख है पड़ोस का। आपके पांव कितने सुंदर हैं, ये इतने अच्छे जेवर को बिछुआ क्यों कहते हैं? देखिए ना, उफ, आपके जेवर तो एक दिन मेरी जान ले लेंगे। अरे तो खून निकल आया। लांबी पलकें उठ के झुकी, ऐसा लगा जैसे पास बुला रही हूं। मैं तो डर गई थी कहीं सचमुच न लग गई हो। बहाने से तकदीर बन गई अपनी। अच्छा अगर सचमुच लग जाती तो क्या करती आप, बोलिए ना। मुझे आपसे नहीं बोलना है। क्यों? शहजादी ने कहा था जब तक चंद्रहार न लाते उनसे बात न करना। देखिए मुझे तो कुछ भी पता नहीं, बाबूजी क्या क्या जेवर ले गए थे बरी में। जेवर तो बहुत थे पर असली चीज नहीं थी। ओ, बचत कर गए बाबूजी, उन्हें जमा जोर में बहुत विश्वास है, बैंक में इतने पैसे जमा करा रखे हैं कि बस पूछे ही मत। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं खुद ला दूंगा आपको।
मुझ पर भरोसा रखिए, मेरी तरफ देखिए। क्या मैं झूठा लगता हूं आपको? देखिए ना, शहजादी कहती थी मर्दों की तरफ मत देखना, उनकी आंख में ऐसा टोना होता है कि दिल घी की तरह पिघल जाता है। मेरी आंख में कोई जादू नहीं, मेरी आंखों में तो प्यास है। देखिए ना, आपको कसम लगे। सूरत नहीं दिखाई दे, सूरत कैसे दिखाई देगी? ऊपर बैठा होगा जोरू के पास। तो गोपी ने झूठ बोला? जी हाँ झूठ बोला। चलिए जोरू का गुलाम। कौन है? मैं हूँ। क्या है भैया? तुम्हारे दो दोस्त और आए थे, मैंने कह दिया भैया घर में नहीं है। अच्छा बहुत अच्छा किया, जाओ मेरे कन्नी। ये लो। दो तीन चार पाँच छह, अरे वाह आज से हमारे छियाने बन गए। चलो एक मुसीबत और टल गई। छूट के बोलने लगे आप अपने दोस्तों से? सच बोलूं तो जाना पड़ेगा। तो चले जाते। जाऊं? जाओ जाऊं? अच्छी बात है। गए क्यों नहीं? भला मैं तुम्हारा दिल कैसे दुखा सकता हूँ? ओहो। अच्छा खाओ मेरी कसम, तुम जाती थी मैं चला जाऊं? मैं तुम्हें जाने थोड़ी ही देती। न जाने तुमने कौन सा जादू कर दिया मुझ पर। जादू तो आपने किया है, एक पल की जुदाई भी नहीं सही जाती। जयराम जी की, मैंने सोचा कारज के घर में 100 काम, ख्याल से उतर गया होगा, मैं खुद ही चला चलूं। वो मुंशी जी वादा तो आपका टल गया। अब क्या बताऊं गंगू महाराज, कुछ कहते नहीं बनती। शादी में इतने खुले हाथों खर्च हो गया है कि दामन झाड़ के लौटा। अब इसमें मेरा तो दोष नहीं है जी। मैं तो खुद पशेमान हूँ गंगू महाराज, मैं आप तकाजे से बड़ा घबराता हूँ। यूं कर लो, किस्तें बांध लो, महीने के महीने पहुंचा दिया करूंगा, 6 महीने में अदा हो जाएगा। राम राम, ये क्या अनकही कह रहे हो मुंशी जी, हमें भी भुगतान करना है। आपके भरोसे अपने लेनदारों को कॉल दे रखा है, अपना तो कारोबार जबान पे ही चलता है। कॉल हारे के साथ गई, मैं तो तस्फिया करके आया हूँ, पैसे लेके जाऊंगा। अजी गंगू महाराज, कहाँ इतनी छोटी रकम से आपका काम रुकता है, कहीं से भी ले सकते हो। ये बात तो आप पर भी लागू होती है जी, आप कहीं से भी लाकर दीजिए, हमें तो पैसे चाहिए। आपको इज्जत प्यारी नहीं, हमें तो प्यारी है। अच्छा भाई, थोड़ा सा सब्र का घूंट भर लो, हफ्ते 10 दिन में इंतजाम कर दो। झूठी बात मुंशी जी, इज्जतदार आदमी समझ के एतबार किया था आपका, अब हीले हवाले न करो हमारे साथ। भला मानस तो अन्न जल नहीं करता, कर जा चुका है बिना। अजी गंगू महाराज, कहाँ इतनी छोटी रकम से आपका काम होता है? नहीं झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हो रहा, वो चंदा मांगने वाले आए हैं, बाबूजी ने एक बार दे दिया, अब जब देखो पीछे पड़े रहते हैं, अब फिर आ गए। चलो ऊपर चले। देखो जी, पगड़ी उतारने की तो मेरी भी आदत नहीं मुंशी जी, पर गरजमंद तो दीवाना होता है।
कल तक पैसे पहुंच जाने चाहिए, वरना मुझे दोष न देना। जय राम जी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया, यूं दाना पानी छोड़ देने से शराब के रुपए थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या जवाब दूं। ये शादी करके तो मैं बुरी तरह फंस गया हूं। ये बहू कुछ जेवर नहीं लौटा देगी? जरा पूछ के तो देखो ना जी। मैं भर पाई, ये मुझसे नहीं होगा। कल बहू आई, आज जेवर मांग ले, कितना बुरा लगेगा। और उस वक्त बड़ा अच्छा लगेगा जब गंगू चार आदमियों में दलील कर देगा मुझे। इधर आओ जी। जी, मुझे बुलाया? हाँ हाँ, तुम्ही को बुलाया है, इधर आओ। बेटा, तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, अब बताओ सराफ को क्या जवाब दिया जाए। ये कौन कहता है कि मैंने रुपए उड़ा दिए? मैंने तो बाबूजी के हुक्म के बगैर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही है सब। अब तो यही एक तरकीब है कि बाकी रुपयों के जेवर लौटा दिए जाएं उसे। तुम यूं करो बेटा, बहू से 4-5 जेवर मांग लो। जी नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, वो खुशी से कब मंजूर करेंगी? यही तो मैं भी कह रही हूँ इनसे। जी हाँ, देखिए ना, रोना धोना शुरू हो जाएगा और घर का पर्दा अलग खुल जाएगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बहू से पर्दा रखने की क्या जरूरत है। आज नहीं कल पता तो लग ही जाएगा उसे। फिर हमने कब कहा था कि हम लखपति हैं? अब तो गले में ये फंदा लगा हुआ है कि या तो कल सवेरे उसे रुपए दे दे या जेवर लौटा दे। तुम तो बेटा बहू से साफ साफ कह दो, जरा भर के लिए रंज होगा, हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं बाबूजी, मुझे तो शर्म आती है। इसमें शर्म की कौन सी बात है जी? जिंदगी में किस पर ऐसे मौके नहीं आते? और फिर अपने घर वाली से मांगने में कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता बेटा। जी मांग तो मैं नहीं सकता। तुम नहीं मांग सकते तो मैं मांग लेता हूं। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, जैसे भी होगा मैं खुद ला दूंगा। सारी जहमत मेरे सर पे डालती। जब आप जानते थे कि एक दिन ये नौबत आने वाली है तो इतने जेवर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? अब जो भी हो मिल जाएंगे आपको जेवर। बुद्धू कहीं का अंगूठी वाली उंगली पकड़ ली। हाँ भाभी, भाभी आपकी अंगूठी बड़ी अच्छी है, मुझे दीजिए ना। शर्म नहीं आती, भाभी को देते हैं उनसे लेते हैं। चुमे, यहाँ क्या कर रहे तुम दोनों? कुछ नहीं भैया, हम आप तो नहीं आए थे, हमें तो भाभी ले आए थे, हम भाभी के साथ खेल रहे थे। जब देखो खेल खेल खेल, चलो उठो जाकर पढ़ो, चलो। आज बहुत गुस्से में है आप, खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है, इन घर वालों ने मिलकर दिमाग बिन्ना दिया है मेरा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्या क्या कहते थे? कुछ नहीं, यूं ही बेकार की बातें। समझ गई। क्या कहते होंगे, दुल्हन के हाथ की मेहंदी बन गए हो। तुम यूं देखती हो तो कसम होश भुला देती हो। सच? ये मेरे लिए लाए हो? क्या है? तुम बूझो। चंद्रहार होगा, नहीं लाए ना? आज तो फूल लाया था। कहते हैं ये प्यार की निशानी होते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों पसंद आने लगे? तुम तो सोने पर रीझी हो। तुम समझते हो मैं सोने के जेवरों की भूखी हूं? वो तो एक चाव होता है। तुम
तुम्हारे प्यार की निशानी, जी जान से प्यारी है मुझे। क्या कमीना हरकत है, इसे क्यों उठा ला रहे हो? आपने तो फरमाया था, मैंने इफ्तिखार करने को कहा था, शर्मानी चाहिए तुम्हें। तो रखो वापस, अब क्या रखाओगे? देख लिया उसने तो गजब हो जाएगा, वही काम करोगे जिसमें रुसवाई हो। अब खड़े खड़े देखते क्या हो, रख दो इसे दराज में और जाकर सो जाओ। इस दलालत में शामिल हो गया मैं, पूछते हो तुम जो हो? मैं चोर हूं। जित चोर नहीं हो। मेरे गहने चोरी हो गए, मेरे गहने चोरी हो गए। जलपा, धीरज खो देने से दुख और बढ़ जाएगा। दिलासा देने तो सभी आते हैं, ये छोटे मुंह से कोई नहीं कहता कि रो मत, हम तुम्हें और सेवक बनवा देंगे। अपनी खातिर तो बैंक में इतना पैसा जमा कर रखा है। लेकिन जलपा, तो बाबूजी की है, मेरी कमाई नहीं। अब इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं जी, तुम्हारा काहे का होगा, मेरे नसीब का कसूर है। रोना दिखा है रहूंगी जन्म भर, ना तुम्हारी कमाई होगी ना मेरे कहने बनेंगे। ची 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 ची, ये कोई चाल चली है आपने? बकवास बकवास है। बड़े बाबू, कौन बोला ये? घोड़ा? घोड़ा कैसे बोलेगा, तो लकड़ी का घोड़ा है। बड़े बाबू, ओह रमानाथ भाई, कयामत है, तुम्हारा नाम ले लेके खेल रहा हूँ। तुमने शादी क्या कर ली, क्या नाम, मुझे अकेला कर दिया। आओ दो चार बाजी हो जाए। नहीं बड़े बाबू, नहीं
क्यों, क्या बात है? ये शादी करके तो मैं जंजाल में फंस गया। लगता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। अगर आपके रसूख से कहीं नौकरी मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। तुम्हारे लिए? अरे एक नौकरी नहीं, दस दस नौकरी दे सकता हूँ। सच बड़े बाबू? हाँ, अरे हमारा झूठ भी तो सच होता है। क्या नाम, इतना बड़ा दफ्तर संभाल रखा है। आ जाओ, एक बाजी हो जाए। आ जाओ, शाबाश। बड़ा बाबू जी नहीं कर रहा। तो यूं कहो कि तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो आकर बैठ जाओ। ये बात ही ना बरखुरदारी की। बैठो रमानाथ, बहुत दिन से नहीं खेला हूँ बाजी, मेरे हाथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये लो हमने चला। मैं यहाँ आ गया साहब। अब आओ, घेर लिया आपने चारों तरफ से। मैं यहाँ से इधर इधर, अगर मैं यहाँ, वो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई तुम्हारी नौकरी के बारे में जी। हाँ, वो हमारे दफ्तर में वो बड़े मियाँ है ना, चुंगी में। चल चलो, चल चलो। मैं यहाँ आ गया। कमाल हो गया, वो बड़े बेचारे ज़ईफ हो गए हैं, अब वो रिटायर होना चाहते हैं और आपका रुख भी रिटायर हो गया। क्या नाम है? बड़े बाबू आप भी तो सितम करते हैं। मुझे बातों में लगा रखा और मैदान साफ कर दिया। देख लिया ना उस्तादी हाथ, अब चलो। मजा आ गया इस वक्त तो। हाँ चलिए साहब, आइए। ये क्या चलिए आप जी? हाँ बड़े बाबू छीक नहीं, सारी बाजी उलट जाएगी। रमानाथ बाबू, बाजी तो उलट गई है, छीकने की जरूरत नहीं, ये हो गई आपको मात। मजा आ गया। बड़े बाबू ये तो फिर ख्याली में हो गया। अच्छा तो फिर ख्याल में खेलो। क्या नाम, ख्याली में खेलो। अच्छा तो आइए मैदान में। लगाओ लगाओ, बाजी लगाओ, हो जाएगा एक बार। वाह वाह, मजा आ गया। ये लीजिए, रमानाथ को तो पहले ही मात दे दिया। बैजनाथ शर्मा जी आए थे? अभी तक तो नहीं आए हैं, नोटिस दे दो। अच्छा बड़े बाबू अब मैं चलूं। क्या दुल्हन याद आ गई? क्या नाम, साहब से नहीं मिलोगे? देखिए ना बड़े बाबू, तीन तो बज गए। अरे तीन तो क्या, अगर नौकरी है तो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। बड़े आए तीन भाई वाले। जमानत बाबू को बड़े साहब बुलाए हैं, काम बन गया। साहब ने बुलाया है, क्या नाम, जाइए जल्दी से। पधारी बड़े बाबू, आप भी चलेंगे मेरे साथ? बारे दुल्हनिया, क्या नाम, डोला लेने मैं गया था है? जाओ जल्दी जाओ। अरे सुनो साहब, जरा गुसीली तबीयत के हैं जी। गुसीली तबीयत के? अगर गुसीली तबीयत के ना होंगे तो अफसरी कैसे करेंगे, समझ गए ना? शाबाश, जाओ। बड़े बाबू, अरे जाओ इनको। क्या नाम, मैं कम इन सर? यस, आर यू रमानाथ? यस सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? मैट्रिकुलेशन सर। व्हाट, ये उम्र है तुम्हारी? यस सर। नो नो सर, नो सर। यू कैन गो? नो सर। मैंने कहा जाओ। यस सर, थैंक यू सर। ओ रमानाथ बाबू, क्या नाम, काम बन गया ना? जी नहीं, साहब ने कहा जाओ। क्या कहा? साहब ने कहा जाओ, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद साहब से कहा, क्या नाम, कि तुम मेरे आदमी हो। कोई बात नहीं, क्या नाम, तुम बैठो, मैं भी साहब से मिलकर आता हूँ। जाओ, साहब कैसे बोल सकते कि तुम जाओ? ये बड़े साहब ने भेजे हैं? बड़े साहब ने भेजे? रमानाथ बाबू, बड़े साहब ने क्या कहा था? जी उन्होंने कहा था जाओ, बड़े गुस्से से कहा था। बड़े गुस्से से कहा था जाओ? जी हाँ, तो फिर तुम जाओ, क्या नाम, जल्दी जाओ। हाँ गुस्से से कहा तो तुमको जल्दी आना चाहिए। सुनो जरा, एक बात है, वो क्या नाम, तुम ऐसा करो कल सुबह आकर नौकरी का चार्ज ले लो। हाँ बड़े बाबू, क्या करते हो, क्या करते हो लोगों के सामने? ये दफ्तर है, मैं तुम्हारा अफसर हूँ, जाओ जल्दी से। जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, जाओ ठहरो। जानता
ये क्या कर रही हो जालपा? अपने मायके जा रही हूँ, आज ही, अभी। क्यों? मेरी मर्जी। अपना घर छोड़ के कोई जाता है इस तरह? जिनका अपना हो वो रहे, मेरा यहाँ अपना कौन है? आखिर बात क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। मालूम होने के लिए आना पड़ेगा। जालपा तुम्हें मेरी कसम। मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी कसम की। तुमने मुझे कसम क्यों दी? तुम क्या चाहते मैं घुट घुट के मर जाऊं, घुट घुट के जान दे दूं? मुझसे तो शतरंग के मोहरे ज्यादा प्यारे हैं इस घर में। देख लीजिए तुम मेरी कदर है यहाँ। अगर तुम ये समझती हो तुम्हारी यहाँ कोई कदर नहीं तो ठीक है, चली जाओ। मैं तो रात भर शतरंज का एक मुहिमा हल करता रहा, इसी पर नौकरी मिलने का दारोमदार था, और जब नौकरी मिली तो खुशी खुशी तुम्हें बताने चला आया, और तुम ये समझती हो तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं यहाँ। ठीक, चलो तुम्हें छोड़ो। रमाना अरे भाई ये बहू के मायके से पार्सल आया है, उसे दे देना। तुम ठीक कहती थी, अपनों को ही दर्द होता है। तुम्हारी मां को पता चला जेवर चोरी हो जाने का, अपना चंद्रहार भिजवा दिया। एक काम करोगे? हाँ। उसे लौटा दो। लौटा दूं? नहीं तो तुम चाहते हो मैं खैरात कबूल कर लूं? मुझे किसी की बख्शीश नहीं चाहिए, न माँ की, न सास की, न बाबूजी की। तुम सलामत रहो कमाने वाले, मैं तो तुम्हारे दिए हुए गहने पहनूंगी। बनवा दोगे ना? पूछने की बात है। चंद्रहार? हाँ। सच? बड़े मियां, क्या नाम? अजी बंदा की याद करता हूँ बड़े बाबू। आप नौकरी से बेजार हो गए हैं ना? अजी बेजारी क्या है हुजूर, 30 साल से बराबर नमक हजारी कर रहा हूँ, अब जरी आकिबत की फिक्र आन पड़ी है। यहाँ से रिहाई दिला दीजिए बंदा नवाज, तो छोटी सी दुकान खोल लूंगा, आपकी जानो माल को दुआएं दूंगा, और बैठा बैठा अल्लाह 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 क्या करूँ। हमें आपकी खुशी मंजूर है। क्या नाम? बड़े मियां ये रमानाथ बाबू है, आप आज इन्हें काम सिखा दीजिए और कल जन्नत का सौदा कीजिए, और क्या नाम हुरों के ख्वाब देखिए। बखुदा बखुदा वो लालच नहीं है मुझे। खैर कोई बात नहीं, इन्हें काम सिखा दीजिए। रमानाथ बाबू ये काम देखने से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्यों ठीक है ना बड़े मियां? जी हाँ, दरीचेशक दरीचेशक। क्या नाम? क्या नाम? आइए आइए सखा, तशरीफ रखिए, बिस्मिल्लाह कह के बैठ जाइए। जी अजी मैंने कहा बैठ जाइए मेरे नूरे चश्म। जी बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए। हाँ जी हाँ, सच्चा हुआ है, ठीक है। साहब दादी काम तो बिल्कुल सादा सादा है मियाँ, क्या समझे? फी बिल्टी एक आना बंधा हुआ है, समझ गए ना? फी बिल्टी एक आना बंधा हुआ है, जिसमें 2 पैसे चपरासियों के और 2 पैसे आपके। जी रिश्वत? रिश्वत? अजी तौबा तौबा ला हौल वला कुव्वत, ये आप क्या बता रहे हैं? अजी ये रिश्वत नहीं है मियाँ, ये तो दस्तूरी है दस्तूरी। मगर काम तो बताया ही नहीं आपने। जी काम क्या बरखोरदार, चुटकी बजाते हुए समझ जाओगे, समझाऊं काम? ये देखो समझ जाओ, देखो खाने नंबर 1 में तादाद, खाना नंबर 2 में तफसील माल, खाना नंबर 3 में शरा, और खाना नंबर 4 में चुंगे की रकम, इसकी नकल करके इस रजिस्टर में दर्ज कर दीजिए, और रोजाना शाम को कुल रकम जाकर खजान ची के यहाँ जमा करा दीजिए, समझ गए ना? हाँ। मगर कुल रकम से मुराद है कि जितनी रकम इस रजिस्टर में दर्ज है, समझ गए? और वो जो आपके कने है वो तो
चपड़ा से आया बाबू जी। जी मैंने कहा राम राम बाबू साहेब। जयराम जी की महाराज। जयराम जी की। आइए कभी हम गरीबों पर भी कर्म की नजर रखा कीजिए, आप तो कभी इस तरफ आते ही नहीं। अजी हम मजदूरों का इधर क्या गुजर, गिरा में माल हो तो आदमी आता भी अच्छा लगे। ये क्या बात जी बाबू जी, आपने तो आपकी है जो जी चाहे सो ले जाइए, पैसों की क्या तरद्दुद है, आगे पीछे मिल जाएगी। आइए आइए ऊपर आइए, तशरीफ लाइए। मोती साहब बाबू जी के लिए केवड़े का शरबत एक बनासी पान तो लाना। कहिए आपको क्या दिखाऊं, कोई हार, कोई कंगन, कोई जलाऊ चीज? कोई हार दिखाइए हल्के दामों का। दामों की आप फिक्र न कीजिए, 24 घंटे पैसों में खेलते हो, हाथ के दिखा दूं 1800 का। अजी नहीं, ज्यादा हाथ दूं तो 400 का। खैर आप देखिए तो सही, जो पसंद आएगा रख लीजिएगा। असल में चीज तो ये है आपके लायक बाबू जी, इसे पहनकर ऐसा लगे जैसे शीश महल में चिराग जल गया हो। और कीमत भी क्या है, सिर्फ 700 रुपए ली। बंधी बंधी।
वो देखो, रोक लिया इन्होंने तो शाम यही बीत जाएगी। साथ कौन है? लड़की है इनकी? नहीं तो बीवी है इनकी। बीवी? हाँ। इतने बुढ़े आदमियों को जवान बीवी करने का क्या शौक होता है? आओ पूछ ले इनसे। हाँ। चलो आग बचा के निकल चले। आओ रमानाथ। ओ चाचा जी आप, नमस्ते। क्यों भाई कहाँ निकले जा रहे हो आग बचा के? चाचा जी मैं तो जरा जरा सैर करने निकले थे। रत्ना, अरे इनसे मिलो, ये हैं अपने मुंशी दयानाथ के साथ जाते और ये हैं इनकी पत्नी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? चालपा। चलिए ना हमारे घर, मुंह मीठा करके जाइए। हाँ हाँ, तुमने तो मुंह मीठा कराया नहीं अपनी शादी में। आओ अब हम तुम्हारा मुंह मीठा कराए देते हैं। आज नहीं चाचा जी, आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। फिर कभी सही। फिर कभी क्यों, कल क्यों नहीं? जी बहुत अच्छा, कल ही आ जाएंगे। तो फिर वादा रहा, कल शाम के 4 बजे हम आपका इंतजार करेंगे। जी हाँ, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। कितनी सुंदर जोड़ी है। चाचा जी, गंगाराम का मुकदमा खूब लड़े आप, बेचारे को मरते मरते बचा लिया आपने। जी बस बस बस। अरे खाओ खाओ, एक दो टुकड़ों से क्या फर्क पड़ता है? आपको भी दीजिए ना, आप तो कुछ खाते ही नहीं। मैं पहले ही दमे का मरीज हूँ, डॉक्टरों ने मना कर रखा है। ओ अजी अच्छा। दुल्हन को तो दो। लीजिए ना। जी बस। बड़ी खूबसूरत कंगन है, कितने में बनवाए? 600 रुपए में। और तो मैं, ये बड़ी खराबी है, जहाँ किसी का नया जेवर देखा और राल टपकी। क्यों ना बनवाए नए जेवर, पैसे को चाटना है घर में रखकर। भाई रमानाथ, ये कंगन इन्हें पसंद आ गए हैं, अब तो बनवाने ही पड़ेंगे, जाते वक्त मुझसे 600 रुपए लेते जाना। चाचा जी इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं भाई, कंगन अगर जल्दी तैयार नहीं हुए तो फिर घर में। ओ, समझ गया समझ गया। जयराम जी की महाराज, कहिए क्या रंग ढंग है, कुछ नए नमूने बनवाए जेवरों के? अजी नमूने तो कितने ही बने और कितने ही दिख गए, पर आपने तो इस तरफ का आना ही छोड़ दिया। अब आप ही बताइए, इस तरह से दुकानदारियां चलती है क्या? इतने अरसे से आपके यहाँ से छोटा पैसा तक नहीं दिखा। आपका शिकवा बिल्कुल मुनासिब है। ये कहिए, खाली हाथ आपसे हाथ मिलाने आता, आज पैसे मिले हाजिर हो गया। ये लीजिए 600 रुपए जमा कर लीजिए, और हमारा आज एक जोड़ी कंगन इस नमूने के बनवा दीजिए। बन जाएंगे, नमूना तो देख लीजिए अच्छी तरह। अजी समझे भाई, पुराना डिजाइन है। हाँ तो ये बकाया रकम कब मिलेगी? बेदिल ना हो महाराज, बहुत जल्दी सारा हिसाब निपटा दूंगा। हाँ ये कंगन जरा जल्दी बनवा दीजिए। अजी पन्ना लाल, जरा ये पैसे तो लेकर बाबूजी के नाम जमा कर लेना। अच्छा महाराज, हम जल्दी। जयराम जी। जयराम जी। महाराज हमारे कंगन तैयार हुए? जी नहीं। अजीब बात है, एक जोड़ी कंगन बनाने में इतनी देर लगती है आपको, आखिर ऐसा कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल क्या है, आधी रकम पेशगी दे दीजिए, पिछला हिसाब बेबाक कर दीजिए, कंगन ले जाइए। ये शराफत नहीं है महाराज। क्यों जी, इसमें शराफत कहाँ टूटा है? देखिए ये मेरे एक दोस्त की फरमाइश है और मैंने 10 दिन का वादा किया था, अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? ये तो बाबूजी आपके सोचने की बात थी। अच्छा ऐसा कीजिए, आप मुझे प्रनोट लिखवा लीजिए। आपसे प्रनोट लिखवा लें? जी जी, और उसे शहद लगा के चाटू? नहीं बाबूजी, यहाँ तो चेहरा शाही दिलवा दीजिए, इतना लंबा उधार नहीं चलता। कंगन आपके तैयार है, पैसे ले आएगी ले जाइए। अगर ये बात थी तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? अब बाबूजी मैं क्या जानता था कि आप इतना भी नहीं समझते, अकलमंद को तो इशारा काफी होता है। आइए बाहर बैठे, दिन ठहरे तो कमरे में बड़ी उमस हो जाती है। क्यों रमानाथ जी, ये क्या कर लिया जी को? सर चकरा रहा है बुरी तरह। खड़ी क्यों हैं आप, आइए बैठिए आइए। नहीं जाऊंगी, उन्हें भी अचानक दमे का दौरा पड़ गया है, इसलिए जल्दी घर लौटना है। वो मेरे कंगन तो ले आए होंगे आप? क्या बताऊं रतन जी, मैं तो फंस गया, अभी अभी शराफ की हाजिरी देकर आया हूँ, कहता है नगीने कट रहे हैं, बस 15 दिन और लगेंगे। 15 दिन?
ऐसे कौन से हीरे तराशते हैं? रहने दीजिए, मुझे नहीं पहनने ऐसे निराशा के जेवर। आप मेरे रुपए वापस ला दीजिए। पेशगी की रकम कौन लौटाता है रतन जी? उसके तो बड़ों को भी लौटाना पड़ेगी। अगर आप नहीं कह सकते तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं खुद वसूल कर लूंगी। सच तो कहती है, इन्हें क्यों नहीं ले जाते शराब की दुकान पर, चीज बनती हुई देख लेंगे, तसल्ली हो जाएगी। नहीं जालपा, मुझे नहीं पहनने ऐसे मुझे कंगन। आप तो बस मेरे पैसे लौटा दीजिए। अच्छी बात है, कल आपको पैसे मिल जाएंगे। कल किस वक्त ले आइएगा? दफ्तर से लौटते हुए लेता आऊंगा। हाँ, और देखिए पूरे पैसे ले आइएगा। आप खातर जमा रखिए, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। पांडे जी, आओ लल्ला आओ। अम्मा शादी क्या कर ली, यार लोगों से भी गए? एक दिन मैं और शंभू तुम्हारे घर गए थे, छोटे ने ये क्या कर तड़का दिया कि बीबी के लिए दही लेने गए। अम्मा बैठ। मैं तो घर पे ही था, छोटा समझा मैं बाहर गया हूँ। मैंने बहुत डांटा उसे। अम्मा डांटा तो ठीक किया, मगर आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? क्या बताऊँ जावेद भाई, एक जंजाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। 600 रुपए चाहिए, सिर्फ दिखाने हैं किसी को। इसको दिखलाने हैं? कोई मासूम फंस रहे हो क्या? हमारे यार तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है, और यहाँ जान पे बनी है। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी जान इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, अलबत्ता कल तक कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा। कल किस वक्त आऊँ? तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे दफ्तर चला आऊंगा। वादा? वादा। अच्छा इजाजत। आ जा रहे? हाँ जा। क्यों जावेद भाई, मेरा काम हुआ? नहीं दिलबर, बखुदा जिंदगी में आज पहली बार नदामत हुई। इंशाल्लाह कल सुबह जरूर दे दूंगा। कल तो मैं भी लौटा दूंगा, मुझे तो रात भर के लिए चाहिए, बस दिखाने के लिए। दिखाने के लिए तो राहते जान, तुम्हारे पास कितना रुपया पड़ा है दिखा दो इसी को। क्या बात करते हो, ये तो सरकारी रुपया है। रुपया सब सरकारी होता है, कभी गैर सरकारी रुपया सुना है तुमने? तुम्हारे दिमाग में क्या चोकर भरा है चोकर। अम्मा मैं कहता हूँ कि यहीं से तिकड़म बैठा लो, कल तो तुम लौटा ही दोगे, समझे? अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बाबूजी, ये थैली उठाओ और पैसा जमा करा दो। बाबूजी, खजांची साहब तो चले गए। चले गए? जी। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? कितनी दूर गए होंगे? नुक्कड़ तक पहुंचाऊंगे, हुक्म हो तो बुला लाओ। अब घर जा दूंगा, लौटा के लाओगे? बूटी सूंघ ली थी क्या? यहाँ दराज में रखता हूँ आज की आमदनी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। नहीं बाबूजी, ये रुपए उठ जाए तो मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा। तो फिर कहाँ रखूं ये रुपए? हुजूर अपने साथ ही लेते जाए, ये और मुसीबत। जाओ बुलाओ तांगा। आ गए क्या? बहुत थक गए होगे, शरबत ले आओ। ये क्या है? रत्ना के रुपए, कंगन तो बने नहीं, रुपए उठा लाया। बहुत अच्छा हुआ, आएगी तो ले जाएगी अपने रुपए। बहुत वहम था उसके मन में पैसों का। रत्ना को पैसों का अंदेशा नहीं है जानपा, कंगन पहनने का चाव है। जब अपने पैसे देख लेगी तो इत्मीनान हो जाएगा उसे। अरे बेटा, वो मेरी दवाई तो ले आ जाके, मुझसे तो सीढ़ी नहीं चढ़ जाती दर्द के मारे। उफ़ो, मेरी तो किसी को परवाह नहीं, अभी दफ्तर से आया और दवाई लेने जाऊँ, ये पैसे संभाल लेना। अकेली बैठी हूँ जालपा बहन, रमानाथ जी नहीं है? नहीं, मेरा भी यही ख्याल था, वो भूल ही गए होंगे सराफ के पास जाना। तुम्हें तो बेकार शक हो रहा है इन पर, रुपए लाए हैं तुम्हारे, लो ये रखें।
नहीं जालवा, मैंने तो महज सिराफ पे दबाव डालने के लिए बात कही थी। भाई तुमने तो बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। लो, इन्हें अपने पास रखो, कंगन बन जाए तो सिराफ को दे देना। नहीं बाबा, मैं किसी की अमानत नहीं रखती अपने पास। एक बार मेरे सारे जेवर चोरी हो गए। नहीं नहीं बहन, अपने पैसे तुम अपने साथ ही लेके जाओ। तुम जिद करती हो तो ले जाती हूँ, लेकिन कंगन बनते ही मंगा लेना पैसे। अच्छा तो मैं चलूँ? पान तो खाती जाओ। नहीं बहन, आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा तुम आ गए? रतन आई थी, मैंने जबरदस्ती उसके पैसे वापस कर दिए। जबरदस्ती? हाँ, वो तो रुपए ले ही नहीं रही थी, मगर मैंने। तुम कौन होती हो पैसे वापस करने वाली? ऐसी कौन सी मुसीबत थी, यहाँ कौन सा डाका पड़ रहा था? लेकिन रुपए उसी के थे, वो ले गई। इसमें बिगड़ने की कौन सी बात? बिगड़ने की बात यह है कि वो रुपए, मेरा मतलब है उसमें मेरे अपने रुपए भी थे। आपके रुपए? हाँ मेरे, 200। उस थैली में 800 रुपए थे। गुस्सा मत कीजिए, मैं छोटे को भेज कर अभी रुपए मंगवा देती हूँ। सुनिए, सिर्फ रुपया ही है या और कोई बात है? और क्या बात होगी, मेरा सर मत खाओ। मगर इतनी भी क्या परेशानी है, खामोखा घबरा रहे हैं। कैसे ना घबराऊं, चुंगी की रकम है, वापस ना हुई तो अंदर हो जाऊंगा। तो तुम्हारे पास 200 रुपए तो है ना? हाँ। तो अब तुम्हें 600 रुपए और चाहिए। हाँ जावेद भाई, ये लो, पूरे 300 रुपए हैं इसमें, अब तुम्हारे पास 500 रुपए हो गए। मगर बाकी 300? अमां कोई बहाना बना देना, झूठ बोलने में तो तुम बहुत उस्ताद हो। कल तक संभाल लो, बाकी सब मैं ठीक कर लूंगा। अच्छी बात है। बड़े बाबू याद कर रहे हैं आपको कभी से? क्यों रमानंद बाबू, ये क्या हरकत है? कल की आमदनी जमा क्यों नहीं कराई? कल शाम को काम बहुत था बड़े बाबू, खत्म करके चुका तो देखा खजांची साहब जा चुके थे। फिर सोचा इतनी रकम कहाँ रखूं, यहाँ कोई महफूज जगह तो थी नहीं, सोचा घर ही लेता जाऊं। 500 रुपए नकद थे जो मैंने इस थैली में डाल लिए, और 300 रुपए के नोट जेब में रख लिए। चौक में दो एक चीजें खरीदनी थी, उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। क्या कहा, नोट गायब थे? क्या नाम, ये कैसे हो सकता है? किसी ने तुम्हारी गर्दन काट के थैली नहीं छीन ली? अब रुपयों का क्या करोगे? क्या बताऊं बड़े बाबू, सुबह से इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। क्या नाम, तुम अपने बाबूजी से मांग लेते? नहीं बड़े बाबू, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। क्यों? आप तो उनकी आदत से वाकिफ ही हैं, ना जाने क्या क्या डालते। उस वक्त क्या कहेंगे जब पुलिस घर पे आ जाएगी? क्या नाम, जानते हो तुमने क्या किया है? गबन किया है गबन, इस जुर्म में तुम जेल जा सकते हो। कायदा तो ये कहता है क्या नाम, मैं तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूं। 500 रुपए यहीं रखो, एक घंटे के अंदर अंदर 300 रुपए ले आओ। अगर साहब को पता चल गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमको जेल से बचना है तो एक घंटे के अंदर 300 रुपए ले आओ, जाओ जल्दी। बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे रुपयों की बड़ी सख्त जरूरत है। उसमें घबराने की क्या बात है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 300 रुपया। 300 रुपया? हाँ मदर, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन मेरी जान, मेरे पास कुल 25 रुपए हैं, 10-15 रुपए चाहिए तो हाजिर। नहीं मदन, अगर रुपयों का बंदोबस्त ना हुआ तो सारी उम्र के लिए मेरे चेहरे पर दाग लग जाएगा। मदन किसी तरह भी हो 300 रुपए का इंतजाम कर दो। एक ही घंटे में 300 रुपयों का कैसे बंदोबस्त हो सकता है? ऐसा ना कहोशम, तुम्हारी कसम रवाना, मेरे पास बिल्कुल पैसे। तो फिर मैं क्या करूँ? अगर इतनी परेशानी है तो बीवी के जेवर गिरवी रखो,
हाँ हाँ बाद में छुड़ा लेना। कहाँ गई है? भाभी की जल्दी बुलाता, कहना बहुत जरूरी काम है। अच्छा भैया Thank you.
माफ कीजिएगा आपको तकलीफ। चुंगी वाले बाबूजी को बुला दो। कौन? रमानाथ बाबू? आप उनके घर से आई हैं? हाँ। मैं उन्हीं को बुलाने जा रहा हूँ, बड़े बाबू उनके लिए हैरान हो रहे हैं। देखो जरा मुझे बड़े बाबू के पास ले चलो। चलिए। बड़े बाबू, रमानाथ बाबू आए? जी नहीं, उनके घर से आई हैं। क्या? ओ मिसेज रमानाथ, क्या नाम? आइए आइए। रमानाथ बाबू कहाँ है? ऐसी बातें तो हर रोज हुआ करती हैं। काटली होगी किसी ने जेब। मारे शर्म के उन्होंने मुझसे कहा नहीं, जरा भी इशारा किया होता तो मैं फौरन रुपए निकाल देती। क्या नाम? घर में रुपए हैं? घर में उनका दिया बहुत कुछ है। 300 रुपए है ना? जी। मैं अभी ला देती। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम? 400 रुपए होंगे, देना हो तो दीजिए, नहीं तो कहीं और तसल्ली कर लीजिए। लेकिन इतना कह देता हूँ, इससे ज्यादा सारे बाजार में आपको एक कौड़ी नहीं मिल सकती। अच्छा, पैसे दे दीजिए। बहुत अच्छा करते हो भैया, हमें बड़ी खुशी। एक तो पैसा का नुकसान, दूसरे तंदुरुस्ती सत्यानाश हुए तो न। कहाँ जा रहे हैं? जी वो मैं कलकत्ता जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। कहाँ जाओगे कलकत्ता? जी मेरे मामा वहाँ रहते हैं। मामा कहाँ रहे? पता तो मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा हुआ मेरी जेब में है। हाँ, तो कलकत्ता घूमे फिरा जा रहे हैं। जी हाँ। टिकट? टिकट? मिस्टर टिकट? जी टिकट तो नहीं है। शकल से तो पढ़े लिखे मालूम होते हो, शर्म नहीं आती बगैर टिकट सफर करते हुए? बाबू साहब, घोड़ा गधा सबको एक लाठी से आकर दो। अरे जरा आदमी देख के बात किया करो, आदमी देख लिया करो। कितनी हमदर्दी है तो निकालो ना रुपया दसन। तो मैं गरम हो एक तो हाथ मिल जाएगा ना। दे दो भैया 9 रुपया। कितना? दसन। 9 रुपया दसन दे दो। जी। ओह मेरा मेरा बटुआ। भैया घबराए, कोई काम कोई काम नहीं, हम देखिए कलकत्ता चल के हमें देखिए। दस रुपया डन छाना वापस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी इज्जत बचाई। ऐसी बात कर रहे हो भैया, आदमी के काम आदमी ना आएगा तो और कौन आएगा? बोलो।
अभी संभाल के रखना है। भैया एक बात बताओ। पूछे। साफ साफ बोलो, डरे की कौनो बात नहीं। हम तुम्हारे बाप के बराबर हैं, तुम्हारे जैसे दुई जवान लड़का रहे हैं अपने, तुम्हारे जैसे खूबसूरत। घर से भाग के आए हो? जी जी हाँ। पुलिस के डर से ना? समझ गए भैया, हम सब समझ गए। तुम कांग्रेस का झंडा लेके निकले होगे, बाप कोनो सरकारी अफसर रहा होगा, बाप बेटे में बोला चाली भाई होगी और तुम गुस्सा में घर छोड़ के चल दिए हो, यही बात है ना? जी हाँ जी हाँ। भैया ये उम्र ऐसी है, खून में बहुत गर्मी होती है, मगर तुम निशा खातिर रहो, हमरे होते तुम पर कौनो आँच नहीं आएगी, कौनो आँच नहीं आएगी। भैया मजब बैठो, ये ओल्ड जी ओल्ड। आ गई ना महापुरुष दिखती रथ यात्रा कहके और अखिल राजा के बांसुरी कह देना का टुकुर टुकुर मुंह कर रहा सब उतार हमारे कपड़े का बोझ। अरे भाई तो अपना ही बोझ नहीं उतार रहा है भाई। अरे उतार हाली कर बात सही। अरे अरे बहुत वजन है जब तो। कितनी दफे कहा तुझे कि मजदूरा कह लिया कर। कितनी दफे कहा कि मजदूरा कह लिया कर, मजदूरी एक नहीं चार कह ले, पर मजदूरी कौन दे तुहार बाप। ऐसा बात करा ला कि गहजर बुताला, एक तो बैठल बैठल काई ऊपर से बात बनाई और हम अपन हार मां से कह के दिन काटत बाड़ी और तू हमार कुल गहना गिठी बैठ के तिया ख्यातला करत बड़ा पर रुक भरत बड़ा। भगवान कसम जग्गो, गंगा मैया में एक डुबकी अपने नाव की तो तीन डुबकी तोरे नाव की, अरे तिगुना फल हुई तो के तिगुना। अरे तुम हमारा चिंता छोड़ दे, हम तो अपने माथे का लिखल पसीना बहा के धो देला, तू सड़क का ठेका ले ले हुए ना जाके वही मर, यह तुम पुकार पड़े हम जाई। हाँ जो जाई। हाँ जो कहाँ जात का हुए तो से मतलब हम चूल्हे में जाई, भाड़ में जाई, ताए पूछे वाली के, ताए पूछे वाली के। अरे तीरस का क्या आयल हुए ना, गोर छुए के चाहिए का मर्जी ना हूँ, दो पैसा का तार काहे नहीं पठा देला, रोटी पानी करके तैयार कर ले तुम्हें घोटा खातिर। रे जग्गो हम तो है देख ले ली, पेट भर गया हमारा। बस बस बहुत नखरा देखो ले। ई के है अपनी नाई कोनो फिमची पकड़ ली ले का। अरे बरबर दिन का पीछे बताई भैया। अच्छा ला गंगा जली दे, चलो चलो अखिल देखाओ सब चले। हाँ एक काम न भूले हो, है खाना वाना खाए के एक चिट्ठी घर पर जरूर भेज देना, मतारी बाप घबरात हुई है ना। पिताजी कहा करत है तुम्हारे वहाँ? जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़े मुंशी। घबराओ मत भैया, हम कोई से कहेंगे थोड़े, हमें और ये घर को अपना ही समझो, यहाँ तुम्हें कोई दुख न होगा, कोई दुख न होगा, बस एक ही मुसीबत है ये बुढ़िया की जबान, 24 घंटा टर टर। और ये मुझे उसे बोला ला तो मुहे से फूल जा रहला, हम बुढ़िया है और ये जवान हम दही जरूर कर नाती। भैया ऊपर मर की नौना तीरथ कह के आयल है, जैसे बिलायत से लाट गवर्नर बन के आयल बा, बात करेगा ये बुढ़िया की बातन का बुरा ना मानो भैया, ये खाली जवाने की कड़ी है, मन में ओके पूछो नहीं, मन में पूछो नहीं है ओके, दिल में तो मानो अमृत भरा है भैया, ओके अमृत भरा है। अरे यही के सहारे 40 साल कट गए कलकत्ते में, यही के साथ अच्छे दिन भी देखा और यही के साथ बुरे दिन भी देखा, बुरे दिन भी देखा भैया। दादा भैया आपको कसरत का शौक भी है?
हमें कुछ सौ को उतना ही है, कुछ सौ उतना ही है। ये मुग्धा की जोड़ी जो देख रहे हो ना, ये हमरे कलेजा के टुकड़न की एक जोड़ी रही, उनकी निशानी है। कैसे जवान पक्षे रहे, कैसे जवान पक्षे रहे भैया, कि जहर से निकसत रहे, देखे वाले ताकत रह जात रहे भैया, ताकत रह जात रहे। और अब वो दोनों भैया भारत माता की भेंट चढ़ गए, दोनों भेंट चढ़ गए। गांधी जी के भगत रहे ने दोनों, बिलायती कपड़ा की दुकान पर पिकेटिंग करते रहे, पुलिस की लाठी चली, घोड़सवार गारत आई, पर बाहरे हिम्मत हमरे दोनों लाल गोली खाए के हुए लेट गए, पर अपनी जगह से ना ही हटे सो ना ही हटे। और जाना तो भैया जब हम सुना तो गज भर की छाती हो गई हमार, गज भर की छाती। पर जाए दो भैया, कहाँ छेड़ो तुम हमें। अच्छा देखो, कोनो चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लियो, हाँ संकोच न करो, ये तुम्हारा घर है। हाँ और देखो, घर चिट्ठी लिखना न भूलो, न जाने कौन हालत हो थोड़ी मतारी बाप की चिंता के मारे। मतारी बाप का दिल भैया, चिट्ठी लिखे जरूर है, आ जाए। हाँ भूलो भूलो ना भैया। बहू, बहू। जी माँ जी। जा लाला जी से कह दे नाश्ता तैयार है। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया, ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे।
महल बरसे गगन इस आंगना। तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम दिल मिलने को तरसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसने अपना पता तो लिखा ही नहीं। रमेश अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मुंशी जी क्या नाम? आपका लड़का तो बिल्कुल उल्लू का पंजा निकला। माफ करना। मेरी मानो तो कलकत्ता के अखबारों में छपवा दो कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, घर वापस आ जाए। क्या नाम? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप सब बड़े हैं, जो ठीक समझे करें, लेकिन मेरी राय में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? ये बात अभी कोई नहीं जानता, अखबारों में छपने के बाद सारी दुनिया को पता चल जाएगा, घर की बदनामी होगी। बहू का कहना बिल्कुल ठीक है। मुंशी जी क्या नाम, उसे ढूंढने के लिए कोई और तरकीब निकालनी चाहिए। आप क्यों नहीं खुद उसे ढूंढने कलकत्ता चले जाते हैं? कुछ अक्कल की बात करो जी, कलकत्ता क्या 5-10 लोगों की बस्ती है, जो जाते ही मुझे वो निशंडा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आजकल वैसे भी कलकत्ते की सियासी फिजा खराब है, रोजाना फसाद होते हैं, गोलियां चलती हैं, जुलूस निकलते हैं। कहाँ रहा जे? बस्ती में। कहाँ ना है तोर? मेरा नाम रमा। हाँ बोल बोल ना बोल। चंडीदास। हमरा से झूठ बोला था? नहीं मैं झूठ बोला था। मेरे कुछ नहीं किया। मेरे कुछ नहीं किया। कहाँ रमानंद भैया? कहाँ? कहाँ है इनकर? नाम? नाम इनकर? हाँ पुलिस के बरगला बदबारे हम तोरा के खूब जाने हैं। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। सच को खरीदा नहीं जा सकता दरोगा साहब, मैं झूठी गवाही हरगिज नहीं दूंगा। हम सब कांग्रेस के आदमी हैं, अहिंसावादी हैं, सब बेगुनाह हैं। तुम अगर गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारा कोई साथी गवाही देगा। जान किसको प्यारी नहीं है। सोचो, तुम्हारी माँ है, बीवी है, दो बच्चे हैं, इसीलिए मुझे तुम पर रहम आता है। और फिर सुल्तानी गवाह बन के सिर्फ फांसी से ही नहीं बचोगे बल्कि आइंदा जिंदगी भी आयश और इज्जत से गुजर जाएगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने साथियों को फांसी नहीं लगाऊंगा दरोगा साहब। साथी 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 झूठ बोलकर बचना चाहते हो, सबको फांसी हो जाएगी। फांसी देशभक्त का इनाम है, अहिंसा तिरंगा झंडा उठाने वालों का ईमान है, और देश को आजाद कराना हमारी प्रतिज्ञा है। I quite understand the difficulties we face. Yes, sir. I am doing my very utmost. I shall not allow the case to fail. Yes, sir. Certainly I shall report to you. Well, I mean, sir... Don't you realize? Police department ka kitna badnaami hota? Commissioner saab bahut naraaz hai. Yes, sir. Main kya arz karun? Maine apni zindagi mein kaise kaise gunde aur kaise kaise badmashon ko theek kiya hai, magar ye kis chamde ke bane hue hain, meri kuch samajh mein nahi aata. Isme se ek bhi nahi tootta. Main aapse halfiya kehta hoon huzoor ki maine isme koi kasar nahi utha rakhi. Oh, that's no use. Oh. पर हुजूर, अगर बाहर के गवाहों से काम चल सके तो मैं बहुत से हाजिर कर सकता हूँ। बाहर के गवाह इस केस में नहीं चलेंगे खान साहब, हमें तो इन्हीं में से किसी को फोड़कर सुल्तानी गवाह बनाना है। Yes, we want an approval. There is no alternative. Yes, sir.
ये तो मैं अच्छी तरह से समझ गया, मगर मुझे थोड़े दिनों की मोहलत अगर और। नो नो, देयर इज नो टाइम, कांट यू सी? अब और रिमांड नहीं मिल सकता खान साहब, आप समझते क्यों नहीं? नेवर स्टैंड देयर, गो डू समथिंग, गो एंड डू समथिंग क्विक। यस सर। सलाम हुजूर, आज तो वहां में वो मुजरिम पकड़ लेंगे। कौन सा बहुत बड़ा काम किया है आपने? हुजूर वो इलाहाबाद को रहने वाला है, ना झूठ बतावत रहो, हम ना जानी लौकर ना रामानाथ है। हुजूर वो देवी दिन खटी खानू। देवी दिन खटी? हाँ सर। का वो जिसके वो दो लड़के? वो है यहाँ रह वाला। अंदर पेश करो। बहुत अच्छा सर का। साहब बिल्कुल वही हो लिया है। क्यों मैं इलाहाबाद का रहने वाला है, रमानाथ नाम है ना, 6 महीने से तंग कर रखा है इसने। क्यों भाई, ये पुलिस वालों को क्या इतना कच्चा समझा है तूने? है हमारी आंख में फूल झोंकता है। साफ साफ कह दो, तोरे संगे कोनो सख्ती ना करल जाए, बुझता नू? जनाब, अब तो आपके हाथ में हूं, रियायत कीजिए यह सख्ती। इलाहाबाद की म्यूनिसिपल कमेटी में मुलाजिम था, अब इसे बदनसीबी कही है या हिमाकत, चुंगी के 300 रुपए मुझसे खर्च हो गए। गबन करके उसे हिमाकत कहता है, कत्ल को तो शायद तफरी कहेगा। ले जाओ इसे हवालात में। मुजराज करता हूं दरोगा जी। क्यों मैं बेटे, काम क्या है? अपना का काम होगा साहब, हजूर को सलाम करने चला है। ठीक है ठीक है, मतलब की बात करो। गरीब परवर, ये बेचारे बहुत सीधे आदमी है, बहुत सीधे आदमी है, बस सरकार इन पर मेहरबानी करे जा रहा है। क्यों बे बदसात, एक तो सरकारी मुलजिम को पनाह देता है और ऊपर से सिफारिश करता है। मजाल है साहब, हमारी कौन भी साथ है सिफारिश करने की? हम बहुत गरीब आदमी है साहब, बहुत गरीब आदमी है, 5 गिन्नी है तो उन खिदमत में हाजिर है साहब। चले, रिश्वत देने आया है, है? बड़े घर भिजवा दो? भिजवा दो साहब, दुनिया के जंजाल से छुट्टी मिल जाएगी, आराम से जेल में बैठा बैठा गंगा जी की जय करेगा। भाग जाए यहाँ से, ये ले उठा सब। साहब दर से क्या गया है, इसकी गिरफ्तारी पर 500 रुपया इनाम है। 500? 500। हम बहुत गरीब आदमी है साहब, 500 कहाँ से लाएगा साहब? अब निकल जाए यहाँ से, मैं कहता हूँ अब यहाँ चलो, जिसको ले जाओ यहाँ से, डाल दो उसको हवालात में। अरे तनी धीर रखो दरोगा जी, तनी धीर रखो, बस 2 घंटा का मोहलत चाहता है साहब, 2 घंटा का, अब ही लाके देगा साहब, अब ही लाके देगा। दादा तुम हैरान ना हो, मेरी तकदीर में जो लिखा होगा हो जाएगा। तुम दिल छोटा मत करो भैया, जब बात रुपया पाए गई है तो देवी दिन पीछे ना ही हटेगा। अरे रुपया पैसा ससुर हम छाती पे ले जाएंगे, तुम निशा खाते रहना दरोगा जी, 2 घंटा चाहता है, अब ही ला के देगा, अब ही ला के देगा। हाँ जी, जी इंस्पेक्टर साहब, देखो सुबर्डन साहब ने हुक्म दिया है कि अगर कल तक इस बम केस के बारे में तुम पता नहीं लगा सके तो इस केस से अलग कर दिए जाओगे। जी इसका मतलब समझते हो ना? जी हाँ। तो फिर कल तक कुछ करो। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सात साल की जाओगे बच्चू, 7 साल की, 7 बरस कैद बा मुशक्कत, चक्की पीसोगे चक्की। मगर दारोगा साहब, देवी दीन तो अभी आते ही होंगे। तो देवी दीन कौन सा सेशन जज लगा हुआ है जो तुम्हें यहां से ले आएगा? है तुम्हें कोई नहीं छोड़ा सकता यहां से, समझे? राम सिंह हथकड़ी लाओ। ले लेंगे दारोगा साहब, इस सजा से बचने का कोई तरीका नहीं? एक तो जुर्म करते हो
और फिर सजा से बचना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, जेल हो जाएगी, एकदम जेल हो जाएगी। और जब वहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, अपनी बीवी मुंह मोड़ लेगी, माँ बाप अपने नहीं होंगे। अल्फिया कहता हूं जिंदगी तबाह हो जाएगी, जिंदगी। दरोगा साहब किसी तरह मुझे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किसी अच्छे घर के लड़के हो, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे आप ही का आसरा है जनाब, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए दरोगा साहब, मुझ पर रहम कीजिए। हाँ एक तरकीब है जी, क्या मैं बच सकता हूँ? बिल्कुल बच ही नहीं सकते, बल्कि आइंदा जिंदगी भी बड़े ऐशो इशरत से गुजर सकती है। फरमाइए मैं तैयार हूं। देखो तुम्हें एक मुकदमे में सरकार की तरफ से शहादत देनी होगी, बम वालों के साजिश के केस में। दरोगा साहब झूठी शहादत? झूठी? कौन कहता है झूठी शहादत, हर बाहर सच्ची है। लेकिन वो सब लोग तो बिल्कुल बेगुनाह है, अखबारों में हर रोज यही आता है। तफ्तीश मैं कर रहा हूं या अखबार वाले, ये केस बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। बहरहाल मुझे तो अभी इस बात का भी यकीन नहीं है कि बड़े साहब इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जी दरोगा साहब जैसे आप फरमाएंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल तैयार। ठीक है ठीक है, खैर मैं कोशिश करता हूँ। हुजूर इसको इस तरह से सोचिए कि मुलजिम 20 नहीं है बल्कि 21 है, और वो जो 21वां मुलजिम है वो कल रात को हमने गिरफ्तार किया, उसने अपने तमाम जुर्म का इकबाल कर लिया और सुल्तानी गवाह बनना भी मंजूर कर लिया। यस यस दैट साउंड्स राइट। मगर खान साहब उसे तो वारदात के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो एक ही जिरह में टूट जाएगा। हुजूर ये तो आप बस मुझ पर छोड़ दें, मैं उसे वारदात की जगह पे ले जाऊंगा, उसे तमाम दिखा दूंगा, तमाम समझा दूंगा, मैं सारा काम हुजूर पुख्ता कर दूंगा। बस उसके एवज में यह है कि उसके खिलाफ वो जो गबन का केस है वो आप यू अंडरस्टैंड इट सर। यस यस हम उसको ठीक कर देंगे। हेलो यस अलाहाबाद व्हाट नो केस आर यू श्योर? अलाहाबाद वाला कहता है कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं। बस सर मैं आपसे हल्फिया कहता हूं, अगर उसके खिलाफ केस नहीं है तो वह अप्रूवर कैसे बनेगा खान साहब? वाह 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 खान साहब ये कारगुजारी दिखाई है आपने, उसके खिलाफ गबन का केस ही नहीं। हाँ ये तो और भी अच्छा हो गया, इसका मतलब यह है कि ना कोई मोटिव ना कोई गरज, उसकी गवाही तो और मजबूत हो जाएगी। वो तो सब ठीक है खान साहब, अगर उसे किसी तरह पता चल गया तो? हुजूर परिंदा पर ना मार सके ऐसा इंतजाम कर दूंगा, और हुजूर सुपरिंटेंडेंट साहब से एक इजाजत चाहिए थी। वेल व्हाट इज दैट? वो ये है कि इस आदमी को स्पेशल मेहमान समझ लिया जाए और उसी पैमाने पर उसकी खातिर तवाज़ो वगैरह। यस यस गो अहेड लुक आफ्टर हिम। थैंक यू सर, थैंक यू। और देखिए खान साहब जी उससे कोई भी ना मिलने पाया है? आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें। उसको खुश हो जाओ बच्चू, एकदम खुश हो जाओ, साहब मान गए, मगर बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने, बड़ी मुश्किल से मनाया। दरोगा साहब आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें मेरे एहसान की कौन सी बात है, तुम्हारी तकदीर अच्छी है। खैर इस बात को छोड़ो, तुम्हारे आराम और तफरी का बंदोबस्त करते चलो जी। हाँ हाँ चलो आ जाओ, कम ऑन। अरे हाँ देखो जरा सुरजू को बोलो गाड़ी तैयार करो। कहाँ चले गए दरोगा जी, जब बोल के गया तो फर्क ना ही पड़ सकता था, ना ही पड़ सकता। दीपान चौहान देख ये बुढ़ापे की कमाई है, ऐसे इस तरह से मत लूटा, चुपचाप से कहीं ले जाके इसे रख दे। मुल्जिम को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। हैं? हाँ हाँ कह दिया ना कि मेरे बस की बात नहीं है। तो ये दरोगा जी ये मूछ मुड़वा डालो। अरे हाँ बड़े दिनों से रहता तो था मेरा, अब तू कह रहा तो मुड़वा दूंगा। मर्द की जबान एक होती है साहेब, कॉल पर आदमी मर जाता है माई बाप, मर जाता है। इस बुढ़ापे में भी इतनी जबान चल रही है क्यों, अफीम की आदत नहीं गई? दरोगा जी दादा तुम दरोगा सफर मत बिगड़ो, हम लोगों की कुछ ऐसी सलाह हो गई है कि बिना कुछ लिए दिए ही मैं रिहा हो जाऊंगा। अरे भैया तुम कहां ही लोगन के चक्कर में पड़ रहे हो, जरूर कोई चाल होगी। कोई चाल नहीं है दादा, बस एक मुकदमे में शहादत देनी है।
जरूर झूठा मुकदमा होगा। नहीं दादा, मैंने सारी जांच कर ली है, तुम कोई चिंता ना करो। पर भैया चलो ना भाई, गाड़ी तैयार है। अच्छा दादा। कौन ये भैया को कहाँ लिए जाता है? भैया मुखबिर बन गए। मुखबिर कौन? अरे वो है झूठी गंगा जली उठावाएंगे, जौन कुछ पुलिस सिखावेगी तो उन जाए के कहे पड़ी कोर्ट में। अब इनकी दावत खातिर होगी, नौकर चाकर मिलेंगे, मोटर गाड़ी होगी। अब न इनसे कोई मिल सकेगा, न ही कोई से मिल सकेंगे। ए जग्गो, कौन? जब अपने बेटे अपने न भये तो ये पराए को क्या कहेगी? बोल बोल। घोड़े में सनिचर सवार हो गई बा, चल चल के आना ना खोद नौले, चल के खाए के खा चुपचाप। मना ना करे तो खाए के। अरे तैसे उपास करे से भैया आ जाएंगे का? चले कौन रास्ता सूझा था? अरे वनकर कौन पता थे कान हो तब से रास्ता सूझे। यह तो बेबसी हो। अरे जग्गो, भैया कहले रहना कि उनका बाप इलाहाबाद कचहरी का बड़का मुंशी है। मन अरे वो आ कहां जा रहे हो? अरे हम इलाहाबाद तार देवा जात हई। हां तो रे बाप को नौकर लगल हुए ना, आधी रात के चल रहा तार देवा। हम बड़े डाकखाने जात हई, रात भर खुलल लाला वो। अरे तो टुकुर टुकुर मुंह का देखत रे जाते काहे नहीं? अरे तो बिचवा में तो सियारिन के तरह रास्ता गाड़ देली। अरे अपने अकेले करे क्योंकि समझ में ना करती। गौर से देखो, खूब गौर से देखो और इनके चेहरों को याद रखना। ये वही लोग हैं जिन्होंने लाट साहब पर पंप फेंका था। और ये है उनका लीडर। अरे ये तो दिनेश की फोटो है। तुम इसे पहचानते हो? जी हाँ, ये हमारे साथ पढ़ते थे। ये और भी अच्छा हुआ, तुम्हारी गवाही तो झूठी हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो इसे अच्छी तरह पहचानते हो। लेकिन ये तो हिंसावादी है, ये बम कभी नहीं फेंक सकते। मैं इनके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। कम से कम 20 बरस कैद का मशक्कत होनी चाहिए। तुमने गबन किया है, गबन। आप गुस्सा न कीजिए, इस गरीब को माफ कर दीजिए। ऐसे लड़का बड़ा अच्छा है मगर मालूम नहीं इस वक्त इसको क्या हो गया। यकीन जानिए हर बहर वही कहेगा जो आप फरमाएंगे। देवी दिन, ओ देवी दिन, देवी दिन यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। कहाँ सर? इलाहाबाद से आए हैं अपने भाई साहब से मिलने। इलाहाबाद से अपने भाई से मिलने? रमानाथ बाबू से? हाँ जी, ये उनके छोटे भाई हैं और मैं इनकी भावजी। बहू रानी, जग्गो जग्गो, बहू के खाना करके चिल्ला सकते ये ना तुझा के सामान घुट कर रख जो बात हम आवाज रही। अरे तू तो बहुत सुंदर बने, चल जा चल जा, हमारा धन भर चल तुम्हारे घर, हमारे घरे में पड़ा आज पर पहले से हमारे भाई आप थर थर फरकत रहे। हम कहा जरूर करो शुभ काम होए वाला भाई। चल बच्चा खटिया बैठ जा जा, हम पानी गरम करी, हाथ मुंह धोवा, फिर खाए के बनाई खा और तब आराम करा। हाँ ये कहा है? बताइए ना कहाँ है वो? अब कहाँ बताएं दुल्हन, हमारे भैया के पुलिस पकड़ ले। अरे पागल है कि आदमी भैया के पुलिस पकड़ ले, जब देखो तो बेवकता टहर रहे टहर रहे। बताइए ना आखिर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं बहू रानी, हम उन्हें छुड़ावे बदे गए रहे थाने पर, पर वहाँ जाए पर ही मालूम भया कि भैया जी पुलिस के झूठे गवाह बन गए हैं। लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ कर क्यों ले गई? अरे वो प्रयागराज में कोनो गबन उबन का मामला रहा ना, बाद में तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं। ले
अरे बहू रानी, जो ये बात भैया जी को मालूम हो जाए तो कितने निर्दोषन की जान लेवे बदे पुलिस की तरफ से झूठी गवाही देवे की जरूरत है का? उन्हें फौरन पता चलना चाहिए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। कहाँ है वो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो डर महसूस हो रहा है। डर किस बात का है? हम जो है तुम्हारे साथ। लेकिन ये तो सरासर झूठ है। क्या बकते हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि ये बम फेंकने का झूठी है? जी मेरा मतलब है, रामानाथ रामानाथ, देखो बात सुनो बात सुनो, ऐसी बातों से कुछ नहीं हासिल होने का। अरे बच्चू, ये केस भी उतना ही सच्चा है जितना तुम्हारा वदन वाला केस, समझे ना तुम? अरे जेल जा रहे थे, दौलत कदमों पे आ गिरी है, हल्फिया कहता हूँ कि क्या तकदीर पाई है तुमने। हाँ वाह, सुभान अल्लाह, क्या तकदीर पाई है। बर्फदार हल्फिया कहता हूँ, सारी जिंदगी ऐश करोगे ऐश। अरे वो कहाँ गया? कह दिया जी सर, कहा वो हो वहां, क्या मर रहे हो? यहाँ साहब के जूते उतारो, अभी उतारो। हाँ तो उतारोगा साहब, अब तो मैं चिट्ठी दे सकता हूँ ना घर? चिट्ठी बिल्कुल नहीं। मैं देखो भाई, जान के लाले पड़ जाएंगे मियां, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी हिफाजत करना, बात नहीं समझ रहे हो? हुजूर, बीवी की याद आना तो कुदरती बात है, माशाल्लाह जवान है, मगर भाई अब मुद्दत ही कितनी रह गई है? हाँ इतनी मुद्दत तो तफरीह में गुजर जाएगी, मचलते दिनों की यही मशगले हैं। बहू, इसी घर में भैया को छुपा रखा है, मगर यहाँ तो पुलिस का पहरा है। What?
जोरा जान, अरे जियो जोरा जान जियो, कसम जवानी की अपनी जिंदगी के 10 साल तुम्हें दे दिए। हाय 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 हाय, अम्मा हल्फिया कहता हूँ क्या समा बांधा है जालिम ने खुदा की कसम, गाना क्या था कि हसीन शबाब की अंगड़ाई थी, हाय हाय। अच्छा भाई तो हम चले, बस हम चले, हाय यार जिंदा सोहबत बाकी। अच्छा भाई खुदा हाफिज। भाई अमा तुम इतनी दिल फरेब सोहबत को छोड़ के कहाँ आ रहे हो, अपनी तो मजबूरी है मियाँ, नौकरी का तकाजा है तो जाना पड़ता है। तुम बड़े खुश नसीब हो मेरे यार, आओ आओ बैठो मियाँ, यहाँ बैठो और जिंदगी का लुत्फ उठाओ। हाँ जोरा जान, बड़ी कीमती अमानत तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूं मैं। हुजूर की तबीयत पर शायद गिरा गुजरा है मेरा गाना। नहीं जोरा जान, आपके गाने में तो जादू का असर था। अजी हुजूर, गाने में तो सुनने वाले का अक्स होता है, बंदी में खूबी नहीं। हुजूर का अक्स रंगीन है। आप बड़ी शीरीं कलाम है जोरा जान। ये तो हुजूर की मोहब्बत नवाजी है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। वल्ला हमने पाला मुद्दतों पहलू में हम कुछ भी नहीं, तुमने देखा एक नजर और दिल तुम्हारा हो गया। लीजिए हाजिर खिदमत में पान भी और जान भी। ऐसे नहीं, लग खोलिए। ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है, चलो चलो बहू चलो। हमेशा बेगाना समझा,
ख्याल था। जो हुआ सब भूल जाओ, अब मैं वादा करता हूं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। सच कहता हूं, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। चल एक बार मुस्कुरा दो, हंस दो ना, तुम्हें मेरी कसम। कैसे चला गया, कैसे चला गया? हम पूछते हैं क्या तुम लोग सब सो रहे थे? हमने दो की जगह 15-15 आदमी रखे हुए, फिर भी वो निकल गया। ये आपका इंतजाम है खासा? नहीं, मेरा मतलब है सर कि ये सब इसकी गफलत का नतीजा है। अगर मैंने तुम्हारे फीते नहीं उतरवा लिया। बात कीजिए, अब हम बड़े साहब को क्या जवाब देंगे, कहां उसे तलाश करेंगे? हजूर आ गया, वो आ गया। कहां चले गए थे तुम? तुमने तो हमारी जान खोज कर दी। और अमा जानते हो कि मैं क्या समझा? अमा मैं तो ये समझा कि तुम्हें शायद वो बम वाले उठा ले गए। हाँ हल्फिया कहता हूँ भाई, मैं बहुत परेशान हो गया था। ओहो खान साहब माफी चाहता हूँ, आइंदा कभी परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये झूठी गवाही नहीं दूंगा। बहुत हो बहुत हो, तो गबन के जुर्म में जेल जाना चाहते हो बच्चू? शौक से जाओ, 7 साल कैद बा मशक्कत। चक्की पीसोगे बच्चू, चक्की। दारोगा साहब 7 साल क्यों, 17 साल कहिए, 17 साल। बहुत चकमा दे चुके आप, मैं अभी अभी अपनी बीवी से मिलकर आया हूं, उसने सारे पैसे चुका दिए हैं, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, और तुम फरेब देकर मुझे झूठी गवाही दिलवाना चाहते थे, बेगुनाह का खून करवाना चाहते थे। अरे भाई तुम कमाल आदमी हो, तुमने अपने जुर्म का इकबाल तो खुद ही किया ना भाई, और फिर तुम्हें बचाने के लिए मैंने अफसरों की कैसी कैसी खुशामद की है, और इसका बदला तुम मुझे ये दे रहे हो। और सोचो तो सही कि अब तारीख मुकर्रर हो चुकी है, मुकदमा एकदम मुकम्मल हो चुका है, और ऐसे में छोड़ के जाना, माफ करना, कोई शराफत की बात नहीं है। दरोगा साहब आपके अख्तियार तो बहुत वसी हैं, कुछ खुशामद करके ये पेशे भी मुलतरा लीजिए, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं देखो भैया रामानंद, बात सुनो मेरी बात। खान साहब से हम भी देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। सड़क तक नहीं पहुंचोगे बच्चों, तुम समझते हो कि हम नादान हैं? तुम हमें बेवकूफ बना लोगे, हमारे शिकंजे से निकल जाओगे? मगर याद रखो, पुलिस को गलत इत्तला देना बहुत ही संगीन जुर्म है, और इसके लिए तुम्हें कैद हो सकती है। और हाँ, वो तवायफ के घर से जो तुमने गहने चुराए हैं। कौन सी तवायफ? ये सब तुम अदालत में पूछना। 17 साल को जाना चाहते हो ना तुम? 17 साल क्यों? हम तुम्हें सारी उम्र के लिए भिजवा देंगे, क्या समझ रखा तुमने हमें? जेल से हवालात और हवालात से जेल, इसी में तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। बीवी से मिलना चाहते हो ना? हम तुम्हें उससे मिलवा देंगे, मगर तुम्हें उससे मिलकर खुशी नहीं होगी, तुम उसका मुंह देखना पसंद नहीं करोगे। बोलो बुलवाए उसे। ये गुंडे जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनका सरगना ये है दिनेश, ये वो लोग हैं जो पिकेटिंग, हड़ताल और देशभक्ति के नाम पर बलवा करते हैं और पुरोमन शहरियों का मन में खलल डालते हैं, और अपने जाती मफाद और लालच के लिए लोगों को डराते और धमकाते हैं। इसका नतीजा ये है, लोग इनसे खौफ खाते हैं, इनके खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखते। इसलिए जब इन लोगों को लाट साहब के ऊपर बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तो कोई इनके खिलाफ शहादत देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
सिवाय एक आदमी के जो पढ़ा लिखा है और अपने फर्ज को अच्छी तरह से समझता है। उसने दिनेश और इसके साथियों को लाड साहब की सवारी पर बम फेंकते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। अब मैं अदालत के रूबरू उस चश्मदीद गवाह को पेश करता हूं। रमानाथ को पेश किया जाए। रमानाथ वजे दयानाथ हाजिर है। योर ऑनर, ये वही आदमी है जिसने मुल्जिम दिनेश को लाल साहब पर बम फेंकते हुए देखा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त को यह हक नहीं पहुंचता कि इल्जाम साबित होने से पहले मेरे मुवक्किल को मुल्जिम कहकर पुकारे। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मुझे इस गवाह के साथ जिरह करने का मौका दिया जाए। प्रोसीड। इधर हाथ रखकर कहो कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? रमानाथ। आप इन लोगों में से किसी को पहचानते हैं? मैं इन सबको पहचानता हूं। किसी का नाम भी जानते हैं? इनका नाम जानता हूं, दिनेश। आप इनका नाम कैसे जानते हैं? जी, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। दिनेश के साथ आपकी यहां मुलाकात कब हुई थी? जी, 10 दिन पहले। सोचिए सोचिए, अच्छी तरह सोचिए, 10 या 15 दिन पहले। जी नहीं, उन्हें रिहा हुए तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं, उसके बाद ही उनसे मुलाकात हुई थी। आपकी मुलाकात किस जगह हुई थी? जी वो मुझे रास्ते में मिल गए थे। कौन से रास्ते पर? वो जी योर ऑनर, ये बात नोट की जाए कि गवाह को ये नहीं मालूम कि उसकी मुलाकात दिनेश के साथ कौन से रास्ते पर हुई थी। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त जानबूझकर गवाह पर इल्जाम लगा रहे हैं। योर ऑनर, गवाह को कलकत्ता में आए हुए चंद ही दिन हुए हैं, भला वो इतनी जल्दी रास्तों के नाम कैसे जान सकता है? हाँ, तो फिर आपको दिनेश कहाँ ले गया? ये मुझे अपने घर ले गए, अपने साथियों से मिलवाया और कहने लगे हमारे दल में शामिल हो जाओ। मैंने पूछा काम क्या करना होगा, इन्होंने कहा वक्त आने पर बता दिया जाएगा। और आप उस दल में शामिल हो गए? जी हाँ। तो आप ये नहीं जानते थे कि दिनेश का दल क्या काम करता है? जी हाँ, मैं नहीं जानता था। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन लाड साहब की सवारी निकलने वाली थी, दिनेश मुझे अपने साथ ले गया। कहाँ? जी वो कहाँ ले गया था? वो एक जगह जहाँ बहुत से लोग जमा थे और सब लोग लाड साहब की सवारी देखने आए हुए थे। फिर उसने मेरे हाथ में एक गोल सी चीज दे दी और जो ही लाड साहब की सवारी हमारे नजदीक आई तो दिनेश ने चिल्ला कर कहा फेंको। तो फिर आपने वो चीज फेंक दी? जी नहीं, मैंने नहीं फेंकी, मैंने नहीं फेंकी। तो किसने फेंकी? मैं तो घबरा कर दिनेश का मुंह देखने लगा, उसने गुस्से में आकर वो चीज मेरे हाथ से छीन ली और लाड साहब की तरफ फेंक दी। एक जोर का धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। योर ऑनर, वो वही बम था जिससे लाड साहब की जान लेने की कोशिश की गई। अब मैं अदालत से दरखास्त करूंगा इन मुजरिमों को इनके जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग देखें सुने और इबरत हासिल करें। ये अदालत मुजरिम दिनेश और उसके साथियों को मुजरिम करार देती है। दिनेश के साथियों को काले पानी की कैद बामुशक्कत और दिनेश को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। मुजरिम अगर चाहें तो 15 दिन के अंदर अंदर बड़ी अदालत में अपील कर सकते हैं।
अरे रमानाथ, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ आओ। आओ, चलो सर। बहन जी, कौन है आप? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। किस मुंह से अपने बारे में बताऊं? समझी नहीं, ये मुसीबत जो आप लोगों पर आई है मेरे पति की वजह से है। इसमें आपका क्या दोष है? आइए, अंदर आइए। माँ जी कहाँ है? वो मंदिर गई है, उनकी जिंदगी के लिए। जमनाथ, ये खत तो तुम नीचे छोड़े थे। रमानाथ, तुम्हारे दिल के दर्द को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं इनसे गाफिल नहीं हूं। देखो, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं और तजुर्बे में भी तुमसे बड़ा हूं, इसलिए मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं उसे जरा गौर से सुनो। मेरी तरफ देखो, जरा तवज्जो से सुनो। एक बात याद रखना, कोई बीवी अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहती। और रह गया ये गुस्सा, नाराजगी, खफगी, ये सब तो आपस में होता ही रहता है भाई। और भैया, नाराजगी के बाद जो प्यार में मजा है ना, बस ये समझ लो जैसे शबे तारीख के बाद सुबह की किरण। हाँ, वो सुबह की किरण पे से याद आया मुझे कि ये लो, ये देखो इसमें क्या है। वाह वाह वाह, इसमें बानियाँ भी हैं, चूड़ियाँ भी हैं, और ये देखो ये चंदन हार भी है, और वगैरह वगैरह, पूरी सुनार की दुकान है इसमें। रमानाथ, एक बीवी और क्या चाहती है? शौहर और जेवर। और अगर ये दोनों उसे मिल जाए तो फिर क्या है, यूं पसीज जाती है वो, समझे ना? है, अरे हाँ, मुझे ख्याल आया, देखो मेरा तो ख्याल है कि तुम जाकर उसे ले आओ। अरे हाँ हाँ, ले आओ यहाँ, ठीक तो है। अरे भाई, मकान तुम्हारे पास, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर, तमाम आराम मौजूद है भाई। बस ये ठीक है, मैं अभी ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी तैयार करे और तुम चलकर उसे ले आओ। अरे राम सिंह, ड्राइवर को बोलो गाड़ी तैयार करे, साहब भाग जाएगा। बहू ऊपर है। जल्पा, तुम यहां क्या करने आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं जल्पा,
मेरा तुम्हारा क्या साथ रह गया है? जिंदगी भर का साथ है जापा। और सुनो, मुझे अच्छी नौकरी के लिए चिट्ठी मिल गई है। और जानती मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? ये देखो, तुम्हें चंद्रहार चाहिए था ना, ये देखो जापा। मुझे तुम चाहिए थे, जीवन साथी चाहिए था अपना, और तुम ये सौगात लेकर आए हो। इसमें बेगुनाहों का खून लगा है, बेवाओं के आंसू, यतीमों की आहें लगी है। मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करके तुम्हारा बोझ हल्का कर रही हूं, तुम इसे और लाद रहे हो। तुम नहीं जानती हो जल्पा, मैंने कितना लाचार होकर ये गवाही दी है। तुम्हारे लिए मजबूर हो गया था मैं। मेरी ही सख्ती नहीं झेल सके तुम, जान तो नजर नहीं आई थी मेरे लिए। अगर तुम पुलिस के हाथों घायल होकर आते तो मैं पूजा करती तुम्हारी। अगर तुम्हारे अपने माथे से खून निकलता तो मैं जान दे देती तुम्हारे लिए। और तुम ये लेकर आए हो, ले जाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे। मैं अपना धर्म जानती हूं, तुम अपना आराम देखो। मर गई जापा तुम्हारे लिए, चले जाओ यहां से। माजरा क्या भाई, अरे कुछ बताओ तो सही, हमें तुम कर क्या रहे हो है? अरे भाई जा कहाँ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अल्लाह हौल विला कुव्वत, अरे भाई दीवाने हो गए हो क्या? तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, अभी अभी देखा नहीं? और अपील के फैसले तक तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, समझे? ना मुझे हिफाजत की जरूरत है और ना जिंदगी की, छोड़ दो मुझे।
हिम्मत की इज्जत का सवाल है। ये मत भूलिए कि अभी एक मरहला बाकी है। मुलजिमों ने बड़ी अदालत में अपील की है। अगर कहीं उसने अदालत में पहुंचकर अपने बयानात बदल दिए तो हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। खान साहब शहर का चप्पा चप्पा छान मारिए, वो जहां भी मिले उसे फौरन गिरफ्तार कीजिए और अगर भागने की कोशिश करे तो गोली मार दीजिए। चाहिए रमानाथ है हुजूर। मैं इस बात का इकबाल करने आया हूं कि बम वाले केस के सिलसिले में मैंने झूठी गवाही दी थी। दुश्मनों की चाल है मिलोट, मुजरिमों के साथियों की बदमाशी। ये गलत है, मैं सच कहता हूं हुजूर। मैंने किसी को बम फेंकते हुए नहीं देखा। मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर कर दिया गया था। क्यों मजबूर किया था, किस लिए किया था, ये एक लंबी कहानी है। मिलोट, मैं दरखास्त करूंगा कई साथी को अदालत का कीमती वक्त जाया करने की इजाजत न दी जाए। मिलोट, मैं अदालत से ये दरखास्त करूंगा इस आदमी को कहने का मौका दिया जाए। इसकी गवाही पर 20 इंसानों की जिंदगी का दारोमदार है। कहो तुम क्या कहना चाहते हो, प्रोसीड। आप उधर जाइए। जय साहब, मैं बहुत मामूली घर का लड़का हूं, या दूसरे अल्फाज में उस दरमियाने तबके का नुमाइंदा हूं जो सफेद पोशी को रखने के लिए दुनिया भर के दुख झेलते हैं। तन ढकते हैं, पेट खाली रह जाता है, पेट भरते हैं, तन खुल जाता है। जिस तरह इस दुनिया में हर इंसान अच्छी जिंदगी और दौलतमंदी के ख्वाब देखता है, अपने दोस्तों और अजीजों के सामने अपना सर ऊंचा रखना चाहता है। मैं भी इसी तरह के ख्वाब देखा करता था और इन ख्वाबों को सच में बदलने के लिए और तो कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आया। अलबत्ता मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपनी हैसियत से बढ़ के बातें करने लगा, फिर एक झूठ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ गई। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी शरीक जिंदगी से भी झूठ बोलने लगा। मैंने अपने झूठ से उसे यकीन दिला दिया कि हम लोग बड़े अमीर घर के आदमी हैं। फिर उस एक झूठ को निभाने के लिए 100 झूठ, 100 को निभाने के लिए 1000 झूठ बोले। इस तरह झूठ का एक पहाड़ खड़ा हो गया और एक दिन ये पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा। इस डर से कहीं इसके नीचे दब को मर ना जाऊं, मैं घर से भाग निकला और आज इस अदालत के सामने अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा हूं। माफी चाहता हूं मिलोट, अगर आज तक ये आदमी झूठ बोलता रहा है तो आज क्यों सच बोल रहा है? इसलिए सच बोल रहा हूं कि आज ये झूठ मेरे काम नहीं आ रहा। सारी दुनिया के सामने मैं हत्यारा हो गया, दोस्तों की निगाहों में जलील हो गया, मेरी बीवी का प्यार नफरत में बदल गया। मैं जिस कदर बदनाम और रुसवा हो सकता था हो गया। मेरी इज्जत खत्म हो गई, मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप और मेरी बीवी की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। जय साहब, मैं इन बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लूंगा, इनके बच्चों को यतीम और इनकी बीवियों को विधवा नहीं होने दूंगा। मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं करूंगा जज साहब। मैं झूठा जरूर था,
हत्यारा नहीं था, ये लोग निर्दोष है, ये लोग बेगुनाह है। आप मुझे सजा दीजिए, मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए, लेकिन अब मैं अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कल साहब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो कि तुमने झूठी गवाही दी थी? जी हाँ। इसको हिरासत में ले लिया जाए। बहुत गौर और फिक्र के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसम्मी दिनेश और उसके सब साथी बेगुनाह हैं, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन मुसम्मी रमानाथ को अदालत झूठ बोलने के इल्जाम में मुजरिम ठहराती है, मगर उसकी नेक नियति और मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ सख्ती का बर्ताव नहीं किया जाता। उसकी सजा यह है कि अदालत बर्खास्त होने तक उसे हिरासत में रखा जाए। उसके साथ ही पुलिस को तंबीह की जाती है कि वो गलत मुकदमे बनाकर अदालत के सामने पेश न करे। इस हुक्म और फैसले के साथ अदालत बर्खास्त की जाती है। Thank you.